थैंक यू मिस्टर नब्बे, थैंक यू मिस्टर प्रांशल। और दोस्तों संडे का दिन, आज बनाऊंगा मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी वाली खीर जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ, शक्कर या शुगर, चीनी, ये केसर, मिठाई मेट अमूल का, आप मिल्क मेट भी ले सकते हैं, ये चावल है रोजाना, ये इंडिया गेट का है, आप कोई भी और ब्रांड का चावल भी ले सकते हैं, बादाम, काजू, इलायची, घी, ये चूँकि मेरी मम्मी की स्पेशल है कुछ रेसिपी में चीज़ें वो मैं बताऊँगा, नारियल, और ये 2 लीटर दूध है, मैंने इसे एक बार बॉईल कर लिया और ढक दिया जिससे कि मलाई ना जमे। अब चलिए शुरुआत करते हैं खीर बनाने की। दोस्तों ये मैंने अभी एक कुकर गैस पर रखा है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ आधी चम्मच घी। ये चावल मैंने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखे थे और फिर पानी निकाल दिया है, अब मैं इन्हें इसमें डालूंगा और हल्का सा सॉटे करूंगा। मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी का पार्ट है तो इसको हल्का सॉटे करूंगा। मेरे को इसको ज़्यादा नहीं करना है, कुछ बेकिंग नहीं करना है, भूनना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ इनको हल्का सा सॉटे करना है, मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड। दोस्तों चावल मेरे भुन गए, मैंने सिर्फ 40 सेकेंड करीब इनको सॉटे किया है और अब मैं इसमें डालूंगा मेरा दूध। ये जो 2 लीटर दूध है ये भैंस का दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, और अब मेरे को इसको बीच बीच में हिलाते रहना है, मलाई नहीं जमने देनी है, मलाई तो इनवेरिएबली जमेगी ही जमेगी, लेकिन मैं उसको हिलाता रहूँगा जिससे कि मलाई ज़्यादा नहीं जमे। गैस मैंने सिम पर रखी है एकदम, और बीच बीच में जैसे मलाई जमेगी तो मैं उसे मिला दूंगा, दूध को थोड़ा सा हिला दूंगा ऐसे, क्योंकि एक तो मुझे चावल नहीं चिपकने देने हैं नीचे, उनको जलने नहीं देने हैं, और दूसरा जो मलाई बनती जाएगी वो दूध में मिलती जाएगी तो जो दूध है उसकी थिकनेस बढ़ेगी, और जब ये दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा तब मैं इसके आगे की प्रोसेस दिखाऊंगा, तब तक इसको धीरे धीरे हिलाता रहता हूँ। और जब तक हमारा ये दूध रेडी हो रहा है तब तक मैं मेरे जितने भी काजू बादाम हैं उन्हें काट लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 15 मिनट हो गए हैं, दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा कम भी हो गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है। अब मैं एक सीक्रेट ट्रिक करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा दूध अलग से निकाल के रखूँगा, बस और इस दूध में हम डाल देंगे केसर। अब इसको हम रखे रहने देंगे और बाकी जो हमारा केसर है वो हम डाल देंगे हमारे मेन दूध के अंदर। इसमें और एक चीज़ डालेंगे वो है इलायची, तो करीब 10 इलायची मैंने ली थी, उसमें से आधी इलायची, करीब 5 इलायची का इलायची निकाल करके मैंने इलायची को कूट लिया था, और 5 इलायची का मैं इसमें मिला दे रहा हूँ, इसको हल्का सा स्थिर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए काफ़ी हमारी खीर जो है वो घुट गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है, चावल हमारे एकदम पक गए हैं। अब जो हमने दूध निकाला था पहले वो दूध मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगा ये किशमिश है, मैंने सिर्फ इसको धोया है, पानी में डाल के नहीं रखा था, एक बार धो लिया था, ये किशमिश डाल रहा हूँ मैं, और ये बादाम और काजू मैंने काट लिए थे इनको डाल दे रहा हूँ, और अब मैं इसमें डालूँगा हमारी शुगर, शक्कर स्वादानुसार, इसको अच्छे से थोड़ा स्थिर कर लेते हैं, और अब मैं डालूँगा हमारी जो बची हुई 5 इलायची कुटी हुई थी वो, और मेरी मम्मी के रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये मैंने गोला कस लिया था, इसे सूखा नारियल भी कहते हैं, ये मैं इसमें डालूँगा, इसको अच्छे से स्थिर कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं इसमें डालूँगा हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, करीब 1 बड़ी चम्मच मिल्क मेट, इसको स्थिर कर लेते हैं। दोस्तों देखिए खीर हमारी एकदम रेडी हो गई है, और ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर प्लेट करते हैं। दोस्तों खीर हमारी रेडी है, बहुत सारी खीर बनी है, अब मैं इसको गार्निश कर देता हूँ
जो मैंने थोड़ा सा बीच में सीक्रेट निकाला था दूध और उसे मैंने रख लिया था केसर डाल के, वो मैं उसकी एक लेयर इसके ऊपर डाल देता हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगा जो काजू और बादाम मैंने काट के रखे, थोड़े से मैंने बचा लिए थे, अब मैं वो इन पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों रेडी है हमारी मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी वाली दादी स्पेशल खीर, और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, बहुत टेस्टी बनी है, मैंने चख के देखी है। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने घर में जरूर बना करके देखिएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएँ, इस तरह की खीर बनी है। थैंक यू सो मच।